नमस्कार, तुस दिक्खा दे हो गिरजम वर्चुअल। तो मैं पंकज खजूरिया, इसलै मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू दे डोगरी डिपार्टमेंट च हां। और अज इत्थै जेह्ड़ा है डोगरी दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब दा इनॉग्रेशन होया। इस मौके उप्पर चीफ गेस्ट दे तौर उप्पर आलोक कुमार और जेहड़े IRS न, और इसलै प्रिंसिपल सैकटरी टू हायर एजुकेशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर दे, ओ चीफ गेस्ट हे। उंदे कन्नै वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और डोगरी डिपार्टमेंट दे बाकी जेहड़े प्रोफेसर हे ओ मौजूद हे। कुमर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट दे कन्नै कोलैबोरेशन करियै यूनिवर्सिटी जम्मू ने इस IT लैब शुरू कीता। के किश पूरा प्रोग्राम आओ दिखचै। सामने सर Distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear students. It is with profound sense of satisfaction and happiness, I, on behalf of Kumar Vyogi Memorial Trust, extend you all many congratulations on the inauguration of Kumar Vyogi Digital Lab in Dogri Department, University of Jammu. 21st सेंचुरी जो है इस समय टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है, और वहीं 21st सेंचुरी में वोकल फॉर लोकल के मद्देनज़र रखते हुए डोगरी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इस समय मैं IT लैब में हूं, जो डोगरी के लिए खासूस तौर पे कुमर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इन कोलैबोरेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा की गई है। मेरे साथ लोग जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को, जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद लैब ना कहें, इसे आप डोगरी लैंग्वेज लैब कहें, कंप्यूटर लैब कहें, जहाँ जो भी व्यवस्था होती है एक कंप्यूटर लैब की और जो एडवांटेजेस होते हैं वो डोगरी में होंगे। इससे डोगरी लैंग्वेज का बहुत डेवलपमेंट होगा, आर्काइव्स बनेंगे और सब जब डिजिटाइज हो जाएंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएंगे एंटायर डिजिटल एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन में। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बड़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सरकार द्वारा डिजिटाइज की गई हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है 203 सुविधाएँ जो हैं डिजिटल हैं, और 706 चलिए मैं इसमें करेक्ट कर रहा हूँ, 706 हैं। और इसमें इसी समय पे जब डोगरी एक ऐसी भाषा मानी जा रही थी जो पिछड़ रही थी, लेकिन अभी एकाएक जो है टेक्नोलॉजी के आने से, कैसे देखते हैं? नहीं, डोगरी कोई पीछे पड़ा हुआ था ऐसी बात नहीं है। रीजनल लैंग्वेजेस को हमेशा से बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी ये डिजिटाइज होने से और इस ट्रस्ट के इसको सेटअप करने से तो लैंग्वेज का बहुत ही उत्थान, लैंग्वेज का उत्थान होगा। दो शब्दों में किस तरीके से देखते हैं इस इनॉग्रेशन को जो आज आपने यहाँ पे किया? बहुत बड़ा काम है, बहुत कमेंडेबल स्टेप, और इस ट्रस्ट को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ओके, पर गलबात करता है गोवर्धन सिंह जम्बाल और जो फाउंडर कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट से। सर, आइडिया कुत्थों आया इन्ना बढ़िया स्टेप लेने का जित्थे डिजिटलाइज करने की कोशिश की? आइडिया है कि अस हुन जियां क्लासेस विच सारे अजकल डिजिटल या डिजिटल एजुकेशन KG कोला लेइए 12th तक हुन अजकल डिजिटली चला, और जियां पैंडमिक होया हा ते पैंडमिक च यह पता चलिया कि हुन एजुकेशन घर बेहियै कंप्यूटर उपर वर्चुअली भी हो सकती है, ते और एदे विच हुन हर एक चीज़ जियां डिजिटल है, तो इत्थे भी बड़ा जरूरी है कि लोगों की प्रोफिशिएंसी होए कि डिजिटल बिच अस डोगरी की बधाचै, डोगरी च नहीं, डोगरी दे कम न जेड़े ओ इंग्लिश च करचै, इंग्लिश दे कम डोगरी च करचै, डोगरी दे कम उर्दू च करचै, उर्दू दे कम वोकैबुलरी बध जा, कन्नै सारी जगह, क्योंकि डोगरी
अकेले नहीं बढ़ी सकती, ये सारी लैंग्वेज कन्नै करगे ते तां बढ़ी सकती है, ते इस सारी लैंग्वेज करने कन्नै एह डिजिटल होना जरूरी। अच्छा सर, जेहड़ा डिजिटल लैब जेहड़े आखा है डोगरी लैब आखो, इनफैक्ट कि केह किश फैसिलिटी इत्थे जेहड़ी प्रोवाइड कीती जांदी? इत्थे असें केह कीता है कि नाउ असें डेस्कटॉप कीते न, एक मेन डेस्कटॉप है जिहदे उपर टीचर पढ़ाई सकदा है, ठीक है, और एदे विच कोई भी रिसर्च कर सकदा है, रिसर्च लाइक जियां हुन पीएचडी च कोई पेपर कढ़दे न, तो पेपर इत्थे रिसर्च करियै अपना सारा नॉलेज लेइयै ते फिर उसी इत्थे कंबाइन कर सकदा है, फिर प्रेजेंट कर सकदा, कुसै भी चीज़ उपर कम करनी है, चाहे वह उर्दू दा होवे जां इंग्लिश दा होवे, लिटरेचर होवे, उसी डोगरी च ट्रांसलेट करै, तो वह फिर इत्थे डिजिटली जरूरी है, क्योंकि बाकी फैसिलिटीज लैंग्वेज भी डिजिटली अवेलेबल न, ताई डोगरी च डिजिटल आना। अच्छा, कुंवर बेउगी मेमोरियल ट्रस्ट की गल करा, दो मिनट लैं, वो काफ़ी मैं दिखा पिछले 4-5 साल का डोगरी ली है, वह खासकर कल्चर ही ली है, काफ़ी तवज्जो दिया दे। साड़ा एम ही डोगरी ते एदा एसोसिएटेड जेड़ा भी लिटरेचर प्लेस गाना सब कुछ डोगरी च, साड़ा एम ही उहे प्रमोट करना, ते ओहदे हिसाब कन्नै सारा अस कम करा ने। अच्छा, दो लफ्ज जानना चाहां कि कुत्थै कमी रोआ दी है डोगरी सरकारी भाषा च बनी दी, 8th शेड्यूल च बी आई दी, कुत्थै कमी? लोकें बिना हेजिटेशन कन्नै बोलनी चाहिए, सारे कमी कुत्थै रोआ दी? कमी ये कि लोग बोलते नहीं, बच्चे ही नहीं सिखांदे, बच्चे जेहड़ी अगली जनरेशन आ दी उन्हें डोगरी पता ही नहीं, डोगरे आले ते सारे डोगरी बोलनी चाहिए, बच्चे ही सिखानी चाहिए, बाकी अंग्रेजी सिखाओ हिंदी सिखाओ लेकिन डोगरी नहीं छोड़ो। तो तुसें देखिया कि जित्थै एक पक्षी गवर्नमेंट कमिटेड है, यूनिवर्सिटी जम्मू के अलग अलग डिपार्टमेंट कमिटेड न डेवलपमेंट ताईं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की अकैडमिक, उत्थै डोगरी डिपार्टमेंट भी कुतै पिछे नहीं है डोगरी अगे बधाने ताईं, और इसलै आईटी लैब इत्थै इनॉग्रेट करियै मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिहड़ी चीज़ां ट्रांसलेट करी सकदे डोगरी च, जां डोगरी चा कश्मीरी च, उर्दू च, हिंदी च, इंग्लिश च, वो सारी इत्थै होई सकदियां न, और लगभग 10 PC जेहड़े न, जेहड़े एक LED और 10 PC जेहड़े इत्थै लाए गए कुंवर बेउगी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, और पहले तो डोगरी डेवलपमेंट ताएं घट्टे लोग बाहर आते हैं, लेकिन हुन डोगरी डेवलपमेंट ताएं आम लोकें कन्नै कन्नै ट्रस्ट भी सामने आ दे न, और इंस्टीट्यूशन की मदद कन्नै अग्गे बधने की गल करा दे न। इस सारे बदलाव भी तुस कि'यां देखदे हो अपनी वैल्यू राय कमेंट सैक्शन च जरूर रखियो, वीडियो ज़्यादा लाइक तो शेयर करना ना भुल्यो, देखते रहो ग्रेडजम वर्चुअल, तो कैमन अर्जुन सिंह ने, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।